तो राम का नाम जपने से विल पावर आता है, चेहरे पे नूर आता है, सुरूर आता है, एक नशा आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और प्रेम करो बेगरज प्यार, निस्वार्थ भावना से। जो आपके रिश्ते हैं जितना उनके साथ गर्जी संबंध है रखो, पर उनके अलावा समाज से बेगरज प्यार करो, जो कि आज खत्म होता जा रहा है। आपको बताई थी बात कि एक महानगर, वो तो आप खुली गया, दिल्ली में हम जा रहे थे तो बड़े दुकानदार थे, उनके ऐसे पास से गुजर रहे थे, वो खड़े थे, तो हमने कहा राम राम। कहते क्या चाहिए? हमने कहा राम राम के बदले राम राम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब उसको ये लगा मुझे राम राम बोले मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। वो बड़बड़ा है, ऐसे टाइम वेस्ट करने आ जाते, आपको पता है। तो ये क्या है, क्या हो रहा है समाज में? छेड़ दो किसी को बैठे बैठे को, यूं लगता कि ततैया काट गया, प्रिंट लड़ गया पंजाबी जगह दे। सो ये है क्या? कहां गया संयम? कहां गया बिल पावर? ना गुस्सा नाक पे, अब लड़के होंठ पे आ गया। कहते गुस्सा नाक पे रहता है, मुहावरा है। हम कहते नहीं, नाक से तो कब का चला गया, अब तो होंठ पे ही आ गया सीधा। इतनी तो देर ही नहीं लगती, किसी को छेड़ के देख लो आप। छेड़ने का मतलब किसी को छेड़ना गलत तरीके से नहीं, बुला के देख लो बिजी आदमी को, कूद के पड़ेगा कि तू इन्हें मुझे बुलाया था, अरे मैं ये कर रहा था, भूल गया, अब कैसे जाता है? दुण 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 दुण। बस पूछो मत। तो वो बात शांति से भी कही जा सकती है बच्चों, आराम से भी कही जा सकती है कि भाई ये काम बेटा बहन जी ऐसे करो, अगले को शर्म भी थोड़ी आएगी, क्योंकि अगर आप कहोगे बहन जी इतना बर्बाद मत किया करो, ढंग से काम कर लिया करो, उसको लड़ने की बजाय 10 गुना शर्म आ जाएगी। क्या प्यार से चंपत मारा है लखनऊ साइड में। राजस्थान साइड में कई जगहों पे इतनी मीठी भाषा है लखनऊ की, राजस्थान का कुछ एरिया, क्योंकि हम तो बहुत बिछड़े हैं रहे हैं। तो क्या होते हैं, आपस में लड़ेंगे भी ना तो बड़ा ऐसा लगता है कि वो कोई छंद गा रहे हो, ऐसा लगता है कि वो शायरी कर रहे हो। क्या कहते हैं, तमीज से बोलिएगा, वरना फिर मत कहिएगा मैं झपड़ रसीद कर दूंगा, बाद में मत सोचिएगा। यूं लगता है यार कुछ मिठास ही घोलती, और बाकी आप जानती हो बाकी समाज में क्या चलता है, कहने की जरूरत नहीं, वो भाषा हम नहीं बोलना चाहते जो चलती है, तो वो अच्छा नहीं है। और ये इसकी वजह है आपकी आत्मिक कमजोरी। आत्मबल होगा, आत्मिक शांति होगी, तभी शांत रह पाता बंदा। ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जब बिल पावर में थोड़ी सी कमी होती है, या मान लो किसी चीज की टेंशनें होती हैं, तब ये रूप आदमी का बन जाता है। तो आप टेंशनों को राम पे छोड़ दो, अपने सदगुरु मौला पे छोड़ दो। अगर आपको पूर्ण यकीन है कि मालिक जाने उसका काम जाने, आपा करेंगे मेहनत। बच्चे अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, जी बच्चों अच्छी बात है, भगवान आपको वाकई इस रास्ते पे चलाए, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के बाद छोड़ देना राम पे, छोड़ देना सदगुरु पे, यकीन मानिए टेंशन फ्री रहोगे और आत्मबल से परिपूर्ण रहोगे। हाथ नीचे कर लो, भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।